21 तारीख की 5 बजे का टाइम होगा और ये इलू अपना होमवर्क कर रही है। इसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, घर की हालत रही क्योंकि ये सोती है, तो ये देखिए कंबल भी हो रखा होता है इधर। यहाँ पे ये अपना बैग छोड़ के गए हुए हैं, साथ ही ब्रेड और भुजिया खा के गए थे। मैंने लाख पूछा कि कुछ बना दूँ, नहीं तो भुजिया और ब्रेड खा के गए, तो इसमें ये इस तरीके से किचन को भी ये फैला देते। तो अब मुझे करनी है सफाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इवनिंग रूटीन स्टार्ट करने से पहले, घर के काम स्टार्ट करने से पहले आज मैं सबसे पहले अपने बालों की चंपी करने वाली हूँ। जी हाँ, क्योंकि आज एक शादी में जाना है और शादी में जाना है तो अपने बालों को मुझे वॉश करना है। तो बालों को जब भी मैं वॉश करती हूँ तो सबसे पहले अपने बालों की ऑयलिंग करती हूँ। या तो मैं ओवरनाइट ऑयल अपने बालों पे रखती हूँ या फिर कुछ घंटों पहले लगा लेती हूँ अपने बालों पे ऑयलिंग कर लेती हूँ। उसके बाद घर के काम करो, कुछ भी करो, आराम से करो ऑयलिंग करने के बाद, और फिर मैं बालों को वॉश कर लेती हूँ। तो आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, सब कुछ करना है, तो मैंने सोचा चलो ऑयलिंग करके फिर ही बालों को वॉश करेंगे। तो आज मैं अपने बालों की ऑयलिंग करने वाली हूँ फर ब्रांड के बनाना एंड आमला नरिशिंग हेयर ऑयल से। जी हाँ, इसमें विटामिन ई एंड कैरेटिन है। जिनके भी बाल अगर मेरे जैसे डल, डैमेज और फ्रीजी हैं तो वो ये ऑयल जो है यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें नो पैराबेन, नो सिलिकन और नो LLP। तो चलिए फटाफट से इससे मैं चंपी कर लेती हूँ और इसके बारे में और भी आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ। तो चलिए प्रेस करना है इसको अपने हाथों पे, इस तरीके से लेना है। माय गॉड, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। तो चलिए इसको मैं लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करूँगी ताकि जल्दी से ऑयल निकल जाए। तो बस थोड़ी सी ऑयलिंग करके अपने बालों को बांध लूँगी और फिर अपने काम करूँगी सारे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है वो एक हेयर एंड स्किन केयर ब्रांड है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जो ये हेयर ऑयल है वो यूनिक ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं और ये जो हेयर ऑयल है हमारे बालों के लिए हाईली बेनिफिशियल है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है। ये हमारे हेयर लॉस को भी रिड्यूस करता है। अगर हम इसका डेली यूज़ करते हैं तो ये हमारी हेयर क्वालिटी को भी मेनटेन करता है, साथ ही हमारी जड़ों को और हेयर स्ट्रेंड्स जो होते हैं उन्हें कम्प्लीट न्यूट्रिशंस देता है। इस ऑयल में कैस्टर ऑयल, बनाना एक्सट्रैक्ट है, आंवला एक्सट्रैक्ट है, स्वीट आमंड ऑयल है, ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको भी ये हेयर ऑयल मंगवाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस इसे अपने हाथों पे लेना है और अपने उंगलियों के पोर्स से इसे लगा लेना है। चाहे तो आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं, चाहे तो बाल वॉश करने के कुछ घंटे पहले लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये हेयर ऑयल चाहिए तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना और वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मेरी ऑयलिंग हो गई थी, ऑयलिंग की है, तब तक मैं सारा काम जो है निपटा लूँगी और एक्स्ट्रा काम भी जो है कुछ कर लूँगी, क्योंकि आज मेरी खाने से छुट्टी है, क्योंकि आज मुझे शादी में जाना। इनके फ्रेंड की शादी थी और ये बहुत ज़िद कर रहे थे कि चलो चलो विद फैमिली बुलाया है, साथ में चलना, साथ में चलना। बहुत मना करने के बाद भी इन्होंने बोला नहीं चलना पड़ेगा तुम्हें, तो फिर ठीक है मैंने कहा चल लेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी। तो आज खाने की छुट्टी है तो एक एक्स्ट्रा काम निकालूंगी। ऐसा नहीं है कि आज खाने की छुट्टी है तो आराम करूँ, नहीं, आज मैं फ्रिज क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज को क्लीन करने का भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट नहीं हो पा रहा था। लेकिन सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करके ही किचन में काम करती हूँ। ये थोड़ा सा भुजिया वुजिया बिखेर के गए थे तो वो पहले क्लीन करूँगी। कुछ बर्तन जो है वो बचे थे वो भी मुझे करने थे, और साथ ही ये जो दूध था वो भी बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रखने के बाद भी कई बार फट जाता है। तो बस यहाँ पे ये सारे काम स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। ये सारे काम जब ख़त्म हो जाएंगे किचन के, क्योंकि थोड़े से बर्तन और हैं, तो उसके बाद मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी, क्योंकि फ्रिज की भी जो शेल्फ़ वगैरह है उनको भी धोना होगा। तो जो ये बर्तन वगैरह हो जाएंगे ना तभी उनको धोने की जगह मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने दोपहर को प्यूरी के लिए भी बना दिया था ये, तो आज मुझे प्यूरी भी बना के रखनी थी क्योंकि कल की तैयारी भी करनी थी। तो कल सुबह मेरा विचार था कि इलू और इनको पनीर की सब्ज़ी दे दूँगी, तो ये जब प्यूरी बनी होती है तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। कई चीज़ों में ये काम आती है, पूरे हफ्ते भर चल जाती है। तो यहाँ पे ये प्यूरी को मैंने बना लिया है और बस कल की तैयारी भी मेरी इसके साथ हो गई है, क्योंकि रोटी और पनीर की सब्ज़ी जो है वो चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा काम आजकल ये बॉटल भरने का भी होता है, तो वो भी मैंने कर दी, लेकिन फ्रिज में नहीं डाली क्योंकि फ्रिज की तो क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे जो कुछ दोपहर के बर्तन हो रखे थे वो क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो है दूसरे काम में लगूँगी।
तो बस तब तक मैं जो है प्यूरी भी ठंडी हो जाएगी, फिर उसको भी एक बर्तन में डाल के बंद करके रख दूँगी। तो ये देखिए तैयार है प्यूरी, इसको भी एक बर्तन में डाल के रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देते हैं, तो ये 6-7 दिन जो है काम आ जाएगी। वैसी वाली प्यूरी भी मेरी तैयार है, अब ये भी तैयार हो चुकी है, तो ये वाली में बहुत आराम रहता है। तो बस फिर किचन को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, अब आते हैं फ्रिज की क्लीनिंग करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से फ्रिज क्लीन नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें एक बार निकाले, तो सारी नहीं, उस डोर वाली मैं नहीं निकालूंगी, पहले वहाँ का साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है ना डोर को साफ़ करूँगी, ताकि एक साथ ही बहुत सारा कुछ किचन में भी ना फैल जाए, और एक साथ जब सारा काम फैला लेते हैं ना तो उसको समेटना मुश्किल होता है, हमारे माइंड में जो है वो टेंशन हो जाती है। तो टुकड़ों टुकड़ों में करूँगी, पहले इस तरफ का कर लूँगी फिर उस तरफ का कर लूँगी। तो ये भी धोने हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से फ्रिज क्लीन हुआ नहीं था। फ्रिज क्लीनिंग की प्रॉपर वीडियो देखनी हो तो एक दो बार मैंने बना रखी है, मेरे चैनल पे पीछे जाओगे तो कई तरीके की वीडियोस जो है ना आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया था, और अब फिर यहाँ का जब हो जाएगा और यहाँ की जब चीज़ें मैं जमा दूँगी, तो ये फिर डोर है ना इसको मैं जमा दूँगी। मेरे फ्रिज में काफ़ी कुछ होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो पहले बहुत छोटा था एक फ्रिज मेरे पास, लेकिन अब बड़ा ले लिया तो वो भी कम पड़ने लग गया है, तो इसको भी 3 से 4 साल हो गए होंगे। किसी ने मुझसे पूछा था आपने फ्रिज कहाँ रख रखा है, मैंने यहाँ पे रख रखा है, क्योंकि किचन में उतनी जगह नहीं है, किचन यूँ ही छोटी पड़ती है, तो फिर ये फ्रिज रख दिया तो फिर और ज़्यादा छोटी लगता। अब कर लेते हैं फ्रीज़र की थोड़ी सी क्लीनिंग, तो फ्रीज़र को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर पूरा जब फ्रिज साफ़ हो जाएगा तो चलो कुछ दिनों की तो हेडेक मिटी। तो 7 से 8 दिन तो ठीक ठाक चलता रहता है, चाहे अलमारी ले लो, चाहे फ्रिज ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वो भी हम लोगों के बिखेरने से ही बिखरता है। जो चीज़ यहाँ से ली है जैसे रखी होती है वैसे ही रख देना, तो कोई भी चीज़ जो है नहीं बिखरेगी और हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी। तब इसको और अच्छे से करना है, डब्बों में डाल के इसी चीज़ें रखूँगी। ये देखिए मैंने टमाटर की प्यूरी जो है वो बना रखी है, ये पालक वाली प्यूरी है, तो फ्रीज़र में मेरे ये सब चीज़ें रहती हैं। अभी बहुत ज़्यादा भर गया है, इसको भी सही करना है। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं यहाँ पे, मूंग मोट वगैरह रखे हैं, तो फ्रीज़र में भी काफ़ी चीज़ें रखें, और फ्रिज में भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा घी हो गया, बटर चीज़ हो गया, ये मिल्क पाउडर हो गया, यहाँ पे दूध दही हो गया, या फिर प्यूरी वगैरह जो, या कोई प्रीमिक्स और बना के रखती हूँ तो वो हो जाते हैं, फ्रूट्स और हो गए। तो यहाँ पे लू की चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मसाले वगैरह हैं, तो काफ़ी कुछ होता है फ्रिज में यार। तो बस इसीलिए मैंने शाम की झाड़ू बाद में लगाई है, क्योंकि फ्रिज क्लीन जब हम करते हैं तो किचन भी बिखरती है, साथ ही साथ जहाँ मेरा फ्रिज रखा है वहाँ से रूम में भी जो है कचरा जाता है। तो फ्रिज को क्लीन करने के बाद ही मैंने जो है ना झाड़ू और पोछा किया है। तो चलिए टाइम का जो है सदुपयोग हो गया, खाना नहीं बनाना था तो उसके बदले में फ्रिज क्लीन हो गया, प्यूरी बन गई, ये सब कुछ हो गया, और ये सफाई भी हो गई, कल की तैयारी भी हो गई है, तो अब इत्मीनान से शादी में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल नहीं देख रही हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना भी ज़रूरी है, तो थैंक्स बोलना ज़रूरी है। आप लोग अपना कीमती समय देकर मुझे कमेंट करते हो, जो जो भी लोग
तो उन्हें रिप्लाई करना बनता है। जिस दिन नहीं कर पाती हूँ इसका मतलब ये समझिएगा कि बहुत ज़्यादा बिजी रही होंगी या फिर कोई डिप्रेशन में रही होंगी, तब मैं आप लोगों को बस रिप्लाई नहीं दे पाती, वरना कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई कर पाऊँ। बस यहाँ पे अपना फेस को वॉश करूँगी और थोड़ा सा फेस पैक लगाऊँगी और उसके बाद जो है अपने पैरों पर नेल पेंट मुझे अप्लाई करनी थी तो वो करना है, उसके बाद नहाना है, बालों को वॉश करना है, आयरन भी इसी बीच मुझे करनी थी क्योंकि जो शादी में जाना था ना उसमें वो जो कपड़े पहनने थे वो सब करना था। इलू ने तो बोला कि मैंने जो अथक के बर्थडे में पहनी थी वही पहन लूँगी, उसको कोई हैवी नहीं पहनना था। और मेरा जो था मैंने भी सोचा कि बिल्कुल सिंपल सा ही पहनूंगी, बट इन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा सा चमक का पहनना ताकि क्योंकि शादी में जाने, लेकिन उनके ऑफिस के किसी फ्रेंड की शादी थी तो वहाँ पे हमारा समाज भी नहीं आने वाला था तो थोड़ा सा ऑड लग रहा था जाने में, जानती मैं किसी को भी नहीं थी, बट इन्होंने बोला कि नहीं चलना मेरे साथ। तो बस मैं यहाँ पर बाल वाल वॉश करके थोड़ा सा ड्राई करके और जो कपड़े मुझे पहनने थे वो मैंने पहन लिए। ये इस तरीके की ड्रेस मुझे ईजी लगती है, स्कर्ट कुर्ता और फिर चुन्नी, इंडो वेस्टर्न होता है ना, सही रहता है। इलू भी तैयार हो गई थी, बस इन्हीं का वेट कर रहे थे, हमें तो बोल दिया था इन्होंने कि मैं 8 बजे आ जाऊँगा और ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, जल्दी तैयार है ना, तो हम लोग तो तैयार हो गए थे बट खुद ही फिर लेट आए थे, 9:15 के करीब आए होंगे, फिर आके खुद तैयार हुए। तो इस तरीके से मैं तैयार हो गई, मुझे ब्लैक पहने हुए देखा तो फिर इन्होंने बोला मैं भी तुम्हारी मैचिंग का पहन लेता हूँ, तो इन्होंने भी ब्लैक पहन लिया था। तो बस मैं रेडी थी, बस इन्हीं का वेट कर रही थी और काफ़ी टाइम बाद मैंने वेज हील वाली जो ये चप्पल है ना वो पहनी है, ये मैंने मेरे भाई की बारात के लिए ली थी लहंगे के साथ और एक बार और पहनी होंगी, उसके बाद मैंने रख दी क्योंकि मैं बस मोजड़ी ही पहनती हूँ, वो मुझे कंफर्टेबल लगती है। पहले मैं पेंसिल हील भी पहन लेती थी बट अब मैं नहीं पहन पाती हूँ, चला ही नहीं जाता है। वेज हील भी नहीं पहन पाती मैं, थोड़ी सी हील भी नहीं पहनती हूँ आजकल मैं, तो ऐसे ही रखी रहती है मेरी जो भी मैं खरीदती हूँ या करती हूँ तो वो ऐसे ही रखी थी, तो मैंने कहा चलो आज यूज़ ले लेते हैं थोड़ा सा। तो बस हम लोग गए थे शादी में लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था तो भटक भी गए हम, मैप पे डालने के बाद भी भटक गए, बहुत ज़्यादा दूर था तो 10 बजे के करीब पहुँचे, फिर 12 बजे शादी से आए थे हम लोग। तो बस यहाँ पे थोड़ा स्टॉल वगैरह ली और खाने में वैरायटी तो काफ़ी थी तो एक ही प्लेट में हमने लगा लिया था और फिर खा लिया था। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि इनके ऑफिस के जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी साथ में बैठे थे तो सबके सामने मैं अधिकतर नहीं करती हूँ क्योंकि ये लगता है ना कि ये यूट्यूबर बन के आ गए तो मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं करती। तो बस लास्ट में वहाँ पे कुल्फ़ी भी थी तो कुल्फ़ी ली और फिर हम लोग आ गए थे, रात 12 बजे पहुँचे थे लेकिन नेक्स्ट डे की तैयारी थी तो कोई टेंशन नहीं थी।